हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम लेकर आए हैं 12 सितंबर 2018 का करंट अफेयर। कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ था, आज भी है, ठीक है ना। तो आगे से कोशिश करेंगे रेगुलर बनाए। और पहला करंट अफेयर आज का देखें, हैदराबाद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता है समीर वर्मा ने, ठीक है ना। हैदराबाद में बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है, ओपन है, ठीक है ना। और टेनिस का भी होना है हैदराबाद में, जो कि फर्स्ट टाइम होगा टेनिस का, लेकिन फिलहाल बैडमिंटन की बात कर रहे हैं। हैदराबाद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब समीर वर्मा ने जीता है। नेक्स्ट देखें, बिम्स्टेक का जो है पहला फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास वो हो रहा है, उसका नाम क्या है, मिलैक्सेटिन, नाम याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बनेगा एग्जाम में। तो बिम्स्टेक का पहला फील्ड प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास, उसका नाम क्या है, मिलैक्सेटिन। बिम्स्टेक की स्टेटिक फैक्ट देखें, फुल फॉर्म देखिए इसका, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। यहाँ इनिशिएटिव लिखना भूल गए हम, तो आप लिख लेना, ठीक है ना, नोट्स बनाओ तब। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा, अच्छे से याद कर लेना। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसकी मेंबर कंट्री की बात करें तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 इसमें कंट्री हैं, ठीक है ना। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। जो बिम्स्टेक लिखा है आप उसी से भी इनके नाम याद रख सकते हैं, जैसे बी फोर बांग्लादेश, ठीक है ना, बिम्स्टेक का ध्यान दीजिए, बी फोर बांग्लादेश। आई से यहाँ पर आप बना सकते हैं इंडिया, एम से म्यांमार, ठीक है ना, एस से श्रीलंका। तो यहाँ से 4 देश तो आप उसके स्टार्टिंग से याद रख सकते हैं, और बाद में, ठीक है ना, कौन कौन बचा, नेपाल, भूटान वगैरह, ये बच्चे, तो आप वो भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और टी से थाईलैंड भी बन जाएगा, तो आप उसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसकी अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में श्रीलंका इसका अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनआरटीआई। एनआरटीआई क्या है, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान है। इंग्लिश में अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। तो इसने जो है वो सॉरी, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय ओपन किया है, कहाँ, वडोदरा में, ठीक है ना, वडोदरा गुजरात में आता है। तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ ओपन किया गया, वडोदरा में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक पुस्तक है द रूल ब्रेकर्स, प्रीति सनोय ने शुरू की है, ठीक है ना, लिखी है, सॉरी स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है तो उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। प्रीति सनोय ने बुक लिखी है द रूल ब्रेकर्स, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट बुक बनेगी, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एचआईवी एड्स अधिनियम 2017 की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत जो है वो 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा ये, ठीक है ना। कौन सा एक्ट है, एचआईवी एड्स अधिनियम 2017, ठीक है ना। स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं जेपी नड्डा। ये राज्यसभा मेंबर हैं हिमाचल प्रदेश से, तो सारी चीजें याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत मंगोलिया संयुक्त अभ्यास। भारत मंगोलिया संयुक्त अभ्यास ये हो रहा है नोमाडिक एलिफेंट 2018, इसका नाम है संयुक्त अभ्यास का, ठीक है ना। हो कहाँ रहा है, ये उलान बतोर में हो रहा है, उलान बटार कह लो या उलान बतोर कह लो, ये मंगोलिया की, मंगोल की कैपिटल है, ठीक है ना, क्या है, उलान बतोर। तो भारत और मंगोलिया के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, उसका नाम है नोमाडिक एलिफेंट 2018, उलान बतोर में हो रहा है, जो कि मंगोलिया की कैपिटल है, और मंगोलिया की करेंसी है टोगरोक, ठीक है ना, टोग रोग, तो कैपिटल करेंसी दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, सरकारी प्रमाण पत्रों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है दिल्ली सरकार ने। मतलब ऐसा है कि कुल 8 डिपार्टमेंट की 40 जो सेवाएं हैं वो पहले फेज में शुरू की गई हैं। उसमें जो है आप सरकारी प्रमाण पत्र आपके घर पर आकर देखे जाएंगे, वो तो कमाल की एक इनिशिएटिव है दिल्ली सरकार द्वारा, डोर स्टेप डिलीवरी सरकारी प्रमाण पत्रों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यूएस ओपन की, तो यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब यहाँ पर डिस्कस है नोवाक जोकोविच। आपसे क्वेश्चन आप बनेगा आज का कि यूएस ओपन 2018 का पुरुष एकल खिताब तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, महिला एकल खिताब किसने जीता है, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए 9-10 सितंबर का, तो वहां आपको जो है वो जरूर इसके बारे में मिलेगा, ठीक है ना। तो महिला एकल खिताब किसने जीता है यूएस ओपन 2018 का, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। फिलहाल यहाँ पर पुरुष एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, करेंसी है दिनार। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है, समझते होंगे आप। तो
तो इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर इसको करें, ठीक है ना, रेगुलर हमारा वीडियो देखें। इसी प्रकार कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।